हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डे। हम फर्स्ट डे पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी देख लीजिए। तो चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है अंकल, आंट, कजिन, सर, मैडम। ये बहुत कॉमन शब्द है, आपने हर जगह सुने होंगे। पर मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी रिलेटिव को, चाचा, मामा, ताऊ, कोई भी हो जो आपका रिलेशन हो, आप उसे अंकल ही कहेंगे। हिंदी की तरह इसमें कोई अलग अलग शब्द नहीं होते हैं। यदि आपकी चाची, मामी, भुआ, जो भी हो, आप उन्हें आंटी ही कहेंगे। उनके लिए भी कोई अलग से शब्द यूज़ नहीं किया जाता, ना कोई अलग से वर्ड है। कज़िन, यदि आपका कोई भाई बहन है, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, तो आप उसे कज़िन ही कहेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उस कभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन हो जिसे आप रेस्पेक्ट देते हो, जो आपसे बड़ा हो, तो आप उसे सर या मैडम ही कहेंगे। उसके लिए भी कोई अलग से वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपने देखा, अंकल, आंट, कज़िन, सर, मैडम, ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड हैं जिसे आप बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं। इनके लिए कोई अलग से शब्द नहीं होते हैं। तो आगे चलते हैं। कभी भी आपने किसी की छोटी सी मदद की हो और उसने आपको कहा हो नो मेंशन, तो इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। यदि आप कोई छोटी सी गलती भी कर देते हैं तो सामने वाला आपको कह देता है नॉट मेंशन या नो मेंशन, तो उसका मतलब होता है कोई बात नहीं। सेकंड लिखा हमने माय प्लेजर। यदि आप किसी बुजुर्ग की या आप किसी की कुछ हेल्प करते हैं तो वो आपसे कहता है थैंक यू, अपन कहते हैं माय प्लेजर, यह मेरी खुशी है। यदि आप किसी की मदद करते हैं और आपको उसमें खुशी का अनुभव होता है तो आप कहते हैं माय प्लेजर। आप क्या कहते हैं? माय प्लेजर। यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है, क्या होता है, यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो सामने वाला पर्सन आपको कहता है इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। क्या कह देता है वो आपको? सब ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि छोटी सी गलती पर बुरा मान जाता है और कोई कह देता है कि सब ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे? दैट्स ऑल राइट या इट्स ऑल राइट। यदि आप 10 जनों के बीच में खड़े हो, यदि आपको कॉल आ गया तो आप क्या कहकर निकलते हैं? एक्सक्यूज मी। क्या कहकर निकलते हैं? एक्सक्यूज मी, जिसका अर्थ होता है क्षमा कीजिए। मतलब अपन किसी के बीच में से अचानक से जाएंगे तो अपन उसको यही कहेंगे ना, क्षमा कीजिए। तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है? एक्सक्यूज मी। तो आगे चले। हाउ, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हाउ से रिलेटेड सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले आज हम? हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ डिड यू गो टू दिल्ली? क्या लिखा है यहाँ पर? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कैसे गए। यदि मुझे किसी से पूछना है कि आप दिल्ली कैसे गए या तुम दिल्ली कैसे गए, तो मैं क्या कहूँगी? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। सेकेंड, हाउ डिड यू रिटर्न, तुम कैसे लौटे। क्या बोलना है मुझे? तुम कैसे लौटे, तो मैं क्या कहूँगी? हाउ डिड यू रिटर्न, तुम वापस कैसे आए। यदि मुझे किसी से पूछना है कि तुम वापस कैसे आए, तो भी मैं क्या कहूँगी? हाउ डिड यू रिटर्न। क्या कहूँगी? हाउ डिड यू रिटर्न। नेक्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जैसे हम किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या किसी भी व्यक्ति से हम उसकी तबीयत के बारे में पूछे, तो हम क्या पूछते हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। क्या कहते हैं? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो आगे चलते हैं। हाउ वॉज द वेदर देयर, मैं यहाँ पर आपको कुछ ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहाँ पर भी यदि वॉज और वर, WASWERE, यदि ये दोनों शब्द होते हैं तो वो होता है पास्ट। क्या होता है वो? पास्ट। क्या होता है वो? पास्ट, मतलब जो चीज हो चुकी है। वहां का मौसम कैसा था या वहां मौसम कैसा था, क्या कहेंगे अपन? वहां मौसम कैसा था, तो क्या कहेंगे? हाउ वॉज द वेदर देयर। हाउ डज ही गो टू स्कूल, क्या पूछा है हमने? हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। क्या कहते हैं अपन? वह स्कूल कैसे जाता है। हाउ वॉज यूअर हेल्थ इन इंदौर, क्या लिखा है? हाउ वॉज यूअर हेल्थ इन इंदौर, इंदौर में आपका स्वास्थ्य कैसा था। क्या कहेंगे हम?
इंदौर में आपका स्वास्थ्य कैसा था? तो आगे चलते हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। जो आजकल की दुनिया है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड, वह खाना बनाना नहीं जानती। क्या कहेंगे हम? वह खाना बनाना नहीं जानती, तो उसे हम कहेंगे शी डजंट। मैंने यहाँ पर डजंट लिखा है, डजंट का मतलब होता है डज नॉट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डज नॉट। शी डज नॉट हाउ टू कुक फूड, यदि खाना बनाने की बात आती तो हम क्या कहते हैं? कुक फूड। शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड। नेक्स्ट, आई डिडंट गेट द लेटर, मुझे चिट्ठी नहीं मिली या मुझे लेटर नहीं मिला, तो मैं क्या कहूंगी? आई डिडंट गेट द लेटर। क्या कहूंगी मैं? आई डिडंट गेट द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू निडंट गो देयर। क्या लिखा है यहाँ पर? यू निडंट गो देयर। यदि मैं इसको पूरा पढ़ू तो क्या कहूंगी? यू नीड नॉट गो देयर। क्या कहूंगी? यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। क्या कहूंगी मैं? आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। क्या कहूंगी? यू निडंट गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, आई हैवंट हियर द न्यूज, आई हैव नॉट हियर द न्यूज, मैंने यह खबर नहीं सुनी या मैंने यह खबर को नहीं सुना है। क्या कहूंगी मैं? मैंने यह खबर को नहीं सुना है। आई हैवंट हियर दिस न्यूज, ही डजंट कम हियर। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा? ही डजंट कम हियर, वह यहां नहीं आया। क्या कहूंगी मैं? वह यहां नहीं आता। क्या कहूंगी मैं यहां? वह यहां नहीं आता। ही डज नॉट कम हियर, यहां पर डज है, डेट मीन्स ये काय का सेंटेंस है? प्रेजेंट का, मतलब वर्तमान का। ही डज नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आता। क्या कहूंगी? वह यहां नहीं आता। नेक्स्ट, इट्स नॉट कोल्ड टूडे। क्या है? इट्स नॉट कोल्ड टूडे, आज ठंड नहीं है। क्या कहूंगी मैं? आज ठंड नहीं है। नेक्स्ट, अब मैंने यहां पर कुछ शॉर्ट सेंटेंस लिखे। क्या लिखे हैं? शॉर्ट सेंटेंस। हु वॉन, क्या लिखा है मैंने यहां पर? हु वॉन, कौन जीता? यदि मुझे किसी से पूछना है, बच्चे जैसे पूछना कौन जीता, तो क्या कहेंगे हम? हु वॉन। नेक्स्ट, लेट्स प्ले, चलो खेले। क्या बोलते हैं हम? चलो खेले। कभी भी हमको बोलना है तो क्या करेंगे? खेले या चलो खेले, कुछ भी वर्ड बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि चलो लिखा है तो पहले कम बोलना पड़ेगा, फिर खेले लिखा है तो लेट्स प्ले बोलना पड़ेगा। चलो खेले को भी हम क्या बोल सकते हैं? लेट्स प्ले। नेक्स्ट, द गेम हैज स्टार्टेड। क्या लिखा है यहाँ पर? द गेम हैज स्टार्टेड, खेल शुरू हो गया। क्या है? खेल शुरू हो गया, तो क्या कहेंगे हम? द गेम हैज स्टार्टेड, खेल शुरू हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? द गेम हैज स्टार्टेड। नेक्स्ट, वी विल प्ले चेस टूडे। क्या कहेंगे हम? वी विल प्ले चेस टूडे, आज हम चेस खेलेंगे। यहां पर यदि विल शब्द यूज आ गया है या विल वर्ड आ गया है तो हम क्या कहेंगे? आज हम चेस खेलेंगे, मतलब वो बात कायम में हो जाएगी। किस चीज में हो जाएगी? भविष्यकाल। किस में हो जाएगी वो? भविष्यकाल। नेक्स्ट, डोंट स्पीक नॉनसेंस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? डोंट स्पीक नॉनसेंस, जैसे अपन कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? बकबक मत करो, तो मैं क्या कहूंगी उसे इंग्लिश में? डोंट स्पीक नॉनसेंस। क्या कहूंगी मैं उसे? डोंट स्पीक नॉनसेंस, मैंने बहुत कोशिश की, यदि मैं फिर भी फेल हो गई या मैं फिर भी किसी काम को करने में फेल हो गया तो मैं क्या कहूंगी? ऑल द एफर्ट्स फेल, सारी कोशिशें असफल रही। मैं क्या कहूंगी? सारी कोशिशें असफल रही। यहाँ पर इफर्ट्स मतलब होगा कोशिशें। क्या होगा यहाँ पर? इफर्ट्स मतलब कोशिशें। सारी कोशिशें नाकाम रही या सारी कोशिशें असफल रही। नेक्स्ट, इट इज टाइम फॉर स्कूल। नेक्स्ट क्या है? इट इज टाइम फॉर स्कूल, स्कूल जाने का समय हो गया है। क्या है? स्कूल जाने का समय हो गया है, तो मैं क्या कहूंगी? इट इज टाइम फॉर स्कूल। क्या कहूंगी मैं? इट इज टाइम फॉर स्कूल। अभी थोड़े दिन से तो ये शब्द शायद सुनने को नहीं मिले होंगे आपको कि स्कूल जाने का समय हो गया है, पर फिर भी क्या कहते हैं? इट इज टाइम फॉर स्कूल। नेक्स्ट, ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। क्या लिखा है यहाँ पर? ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, वह गणित में मुझसे आगे है। यहाँ पर आप किसी और सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। यदि मुझे किसी स्टूडेंट से बोलना है कि वह गणित में मुझसे आगे, या कोई दो स्टूडेंट आपस में बात करते तो वो क्या कहेंगे? ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स।
नेक्स्ट, यदि मुझसे किसी से पूछना है कि तुम्हारा प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं क्या कहूँगी, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। विच का अर्थ क्या होता है, कौन सा, क्या होता है विच का मतलब, कौन सा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। यदि कोई आपके घर आता है तो आपसे मोस्टली पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या पूछता है वो आपसे कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। नेक्स्ट, डू यू लाइक रीडिंग, यदि अपन से कोई पूछता है कि तुम्हें पढ़ने का शौक है तो वो आपसे क्या कहेगा, डू यू लाइक रीडिंग, क्या कहेगा वो आपसे, डू यू लाइक रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वेयर इज डेट, क्या लिखा है हमने नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज डेट, वह कहाँ है, क्या लिखा है हमने, वह कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वह कहाँ है, तो वेयर इज डेट, क्या लिखा है हमने, वेयर इज डेट। तो चलिए, स्टाइल मेक्स द मैन, क्या लिखा है, स्टाइल मेक्स द मैन, कपड़े देखकर इज्जत मिलती है, क्या कहा जाता है, कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, क्या लिखा है, इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, इसका मतलब होता है ताली दोनों हाथों से बजती है, क्या होता है इसका मतलब, ताली दोनों हाथों से बजती है। नेक्स्ट लिखा है, वन नेल ड्राइव्स अनादर, क्या लिखा है, वन नेल ड्राइव्स अनादर, कांटे से कांटा निकलता है, क्या लिखा है, कांटे से कांटा निकलता है। तो चलिए, मैंने ये तीन सेंटेंस लिखे हैं जो कि मुहावरे की तरह यूज किए जाते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके के सेंटेंस भी लिख लिख कर याद कर सकते हैं, जिसको आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज आसानी से कर सकें। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर पांच वर्ड लिखे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम रोज पांच नए वर्ड याद करेंगे, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा रिफ्यूज, क्या लिखा है हमने, refuse, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, क्या होता है रिफ्यूज का मतलब, मना करना, क्या होता है रिफ्यूज का मतलब, मना करना। एक वर्ड लिखा हमने रेसिड्यू, क्या लिखा है हमने, रेसिड्यू, रेसिड्यू का अर्थ होता है बचा हुआ, अभी आपने बहुत सारी जगह सुना होगा रेसिड्यू मटेरियल, इसका अर्थ क्या होता है, बचा हुआ, क्या होता है रेसिड्यू का मतलब, बचा हुआ। एक वर्ड लिख रखा है हमने रोम, ROAM, रोम, रोम, रोम का मतलब क्या होता है, घूमना, क्या होता है रोम का अर्थ, घूमना, क्या होता है रोम का अर्थ, घूमना। नेक्स्ट एक वर्ड है रेडिएंट, क्या है, रेडिएंट, RADIANT, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पर, रेडिएंट, RADIANT, रेडिएंट अर्थ होता है चमकना, क्या होता है रेडिएंट का अर्थ, चमकना, क्या होता है रेडिएंट का अर्थ, चमकना। एक और वर्ड लिखा है मैलिस, MALICE, क्या लिखा है, मैलिस, मैलिस का अर्थ होता है बुरी भावना, ईर्ष्या, द्वेष, क्या होता है मैलिस का अर्थ, बुरी भावना, MALICE, मैलिस का अर्थ होता है द्वेष, बुरी भावना या ईर्ष्या। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे, पांच नए शब्द को याद करना, तीन ऐसे शब्द लिखना जो कि मुहावरे की तरह यूज आते हैं, और बाकी स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो बहुत कॉमन होता है, पर उसके बारे में भी कुछ नई बातें हम आपको बताते हैं। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच।